एवरीवन, मैं हूँ जश्तिया और आप देख रहे हैं चश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज मैं आपको हेयर फॉल कंट्रोल के लिए एक टोनर दे रही हूँ। ये टोनर बहुत इजी है एंड इसमें टोटल सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट मैंने डाल के इसे बनाया है। आपके घर पे अभी वो इंग्रेडिएंट मौजूद होंगे, आप लोग भी बना लेना। ये हेयर फॉल कंट्रोल के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड आप इसे कम से कम 15 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं एंड जब यूज़ करेंगे तो इसे बाहर निकाल लीजिए और रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इसे यूज़ करिए। और दिन में 2 बार आपको पूरे बालों पर, स्कैल्प पर इस टोनर को अप्लाई करना है। ये टोनर कैसे बनेगा अब आप देख लिए जल्दी से, और इसके जो इंग्रेडिएंट है उसके जो फ़ायदे बताऊंगी उसको भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी लिया है, आप भी 1 ग्लास पानी ले लीजिएगा। एंड उसके बाद में 1 चम्मच मैं फेनुग्रिक सीड जो है दाना मेथी ये डाल रही हूँ। दाना मेथी गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी आपके बालों के लिए, इसमें इतने सारे विटामिन्स होते हैं, इतने मिनरल्स होते हैं ना, पोटेशियम होता है, कैल्शियम है, आयरन होता है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड विटामिन्स की बात करें तो इसमें विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है एंड बाल्डनेस की जो शिकायत हो रही है, बाल जो आपके कम हो रहे हैं सिर में, उसको नहीं कम होने देता और आपके बालों की फिर से ग्रोथ करता है, ठीक है? इसके बाद में 1 चम्मच मैंने ली है कलौंजी, ये है कलौंजी, ठीक है? अनियन सीड नहीं है, ये कलौंजी है। अनियन सीड पर प्रॉपर वीडियो आएगी, ओके? तो ये जो कलौंजी है ना, ये गंजेपन पे बहुत अच्छी काम करती है। इसमें भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं एंड आपके सिर में बाल कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसको रिड्यूस करती है। तो आप लोग अभी ये वाला टोनर बना के यूज़ करना स्टार्ट कर लीजिए, जिनके भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है? तो ये मैंने 1-1 चम्मच डाला है। अब एक इन्ग्रीडियंट और है जिसे हमें डालना है एंड ये है जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। अदरक का मैंने एक छोटा टुकड़ा इसमें ऐड किया है, आप लोग भी अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए इसके अंदर। आप चाहे तो ग्राइंड करके और इसे डाल सकते हैं, मतलब इसको ग्रेट करते हैं ना, वो ग्रेट कर लीजिएगा और फिर डाल दीजिए। जिंजर है ये भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपके न्यू हेयर्स लाने में हेल्प करता है और आपकी जो स्कैल्प है उसे क्लीन रखता है एंड एक्सेस ऑयल को नहीं आने देता, ठीक है? जिसकी ऑयली स्कैल्प है उसके लिए भी बहुत अच्छा टोनर है, ड्राई स्कैल्प वालों के लिए एंड नॉर्मल स्कैल्प सभी के लिए अच्छा है। आपको ये सारी चीज़ों को कम से कम 8 मिनट के लिए बॉईल करना है पानी में, 8 से 10 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम बॉईल कर लीजिए। एंड 10 मिनट होने के बाद में क्या करेंगे, आप फ्लेम को बंद करिए और इसके ऊपर एक ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए एंड 1 घंटे के बाद में आप इसे पूरा छान लीजिए और एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए। और ये बचा है ना, इसको आप पेस्ट बना लेना, जिसको पीस के और इसमें है ना दही मिलाकर और अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा टोनर बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए और नए बाल लाने के लिए बहुत अच्छा है, तो आप लोग सब यूज़ करना इसको, ठीक है? एंड यस, जाना नहीं है, आगे आपके लिए कुछ स्पेशल है जो कि आगे पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है? चलिए देखिए आगे। एक कुर्ती अनारकली पूरा सूट है जो कि मैंने लिया है एंड आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छी ब्रांड से है एंड इस ब्रांड के मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पहले भी ड्रेसेस ली है जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया है एंड आपको बहुत पसंद आई है, तो जल्दी से दिखा देती हूँ। सिर्फ 1 अनारकली है, 1 ही सूट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है, ठीक है? जल्दी से दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर है ये एक ड्रेस जो कि मैंने ली है एंड ये है बीबा से, बीबा जो ब्रांड है उससे, एंड बीबा के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही लग्जूरियस एंड काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद आई थी इसलिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए। एंड इसका जो फैब्रिक होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, मुझे इनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा लगता है एंड यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, है ना, ये है ब्रांड बीबा। तो चलिए सबसे पहले अनारकली दिखाती हूँ, फिर इसके साथ में दुपट्टा है और इसकी लेगी भी है, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनारकली। एंड ये पूरा प्रिंट है जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके फैब्रिक के ऊपर पूरा प्रिंट दे रखा है, ये देखिए, ये इस तरह से है पूरा प्रिंट एंड 3/4 स्लीव्स है। आगे की साइड में भी इस तरह ये प्रिंट दे रखी है जो कि बारीक बारीक ब्लू एंड ब्राउन कलर से है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैब्रिक इसका कॉटन है एंड कॉटन जो होता है काफ़ी अच्छा वाला कॉटन है, मतलब ये देखिए। एंड इसका जो फ्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए। एंड नीचे की साइड में पूरा आपको इस तरह से इसमें प्रिंट मिलता है एंड अभी फ्लोरल प्रिंट बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको पता है,
तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर प्लेस किया है। एंड नेक है जो कि आप देख रहे हैं राउंड है एंड साथ में वी कट है और फिर पाइपिंग ब्लू कलर से पाइपिंग है इसके अंदर, है ना। एंड बैक साइड में देखते हैं तो आपको यहाँ पर हल्के से दोनों साइड में है ना ये मिल जाता है। बीबा की मोस्टली जो ड्रेसेस होती है उसमें हल्का सा यहाँ पर जो होता है ना एक टांका लगा होता है दोनों की साइड में डार्ट, जिससे कि हमारी फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड इनके कपड़ों में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि हम जब वियर करते हैं ना तो इनकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है एकदम। तो हमेशा जब भी आप बीबा की ड्रेस लेना तो उसमें अपना साइज़ एकदम एक्यूरेट लेना, क्योंकि वो साइज़ आप जब एक्यूरेट लोगे ना तो आप जब इसे वियर करेंगे ना तो एक्यूरेट आपके एकदम अच्छे से फिटिंग बैठे है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, क्योंकि फिटिंग अच्छी होती है ना तो ड्रेस का लुक बहुत अच्छा आता है। ये देखिए पीछे बैक साइड में भी इसमें इस तरह प्रिंट है, बैक में देखिए नेक पर भी ऐसा प्रिंट दे रखा है नेक पर, और फिर नीचे की साइड में भी पूरा प्रिंट है इस तरह से, पूरा फ्लोरल प्रिंट दे रखा है। तो ये लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपने यहाँ साइड में ट्राई ऑन देखा है तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड इसके साथ में है ना जो है चूड़ीदार आता है, मतलब कि जो कॉटन का ही चूड़ीदार है ये देखिए। एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, तो इसमें इस तरह का इलास्टिक दिया हुआ है, ये देखिए ये इलास्टिक है और पूरा इस तरह इसमें सिलाई है और ये बहुत ही अच्छे से फिटिंग आती है इसकी भी। एंड ये कॉटन है, हल्की सी नीचे की साइड में ना चूड़ी वगैरह बन जाती है इसमें। तो ये कपड़ा है और साथ में ये इसमें रबड़ के साथ में इलास्टिक के साथ में आपको इस तरह ये भी मिल जाता है, इसका बेल्ट भी है ना। एंड अब बात कर लेते हैं इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए पूरे दुपट्टे में इस तरह से हल्का सा कपड़े के अंदर ही वो दे रखा है प्रिंट। एंड पल्लू के ऊपर है ना चारों तरफ आपको ये वाला ही प्रिंट दिखता है, ये देखिए इस तरह से। एंड साइड में ये अलग से एक पट्टी लगी हुई है ऐसे। एंड इसका जो चौड़ाई है वो फुल चौड़ाई नहीं है, ठीक है, लंबाई तो ठीक है इसकी लेकिन चौड़ाई वो फुल चौड़ाई नहीं है, थोड़ी सी कम है बस। बाकी इसका जो है दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये देखिए। एंड बीच से एकदम प्लेन दुपट्टा है, है ना, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी ड्रेस लगी है इसकी। एंड इसका जो प्राइस है वो आप लोगों को लिंक पे क्लिक करके देखना होगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है वो दे दिया है, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए। अपने लिए बाय करना चाहें तो ये आप अनारकली सूट अपने लिए ले सकते हैं, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। एंड आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, सिर्फ मैंने एक ही ली है ये, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सबके साथ में शेयर ज़रूर करिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।